हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने एक यूट्यूब चैनल कॉइन इन्फो पे। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और महीने में सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला है कि कौन सा कॉइन बाई करना चाहिए इस महीने के अंदर। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ। देखिए, अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया तो आपके साथ से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकल जाएगी जो कि आप गेन कर सकते हैं। देखिए, अगर आप लोग क्रिप्टो मार्केट में हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन लेते रहना होगा। अगर आप सिर्फ ये चाह रहे हैं कि भाई साहब हमें कॉल मिल जाया करे और हम लोग सिर्फ लगा दिया करें, हमें पढ़ना उड़ना ज़्यादा है नहीं, तो प्लीज हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। हम वहां सिखाते भी हैं। अगर आपका सीखने का मन नहीं है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन प्लीज मैं एम्फोसाइज करूंगा, इस वीडियो को आप पूरा देखें, बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर रखे हैं। तो चलिए, मैं आपको अब ये बता देता हूँ कि ये जो हमारा चौथा क्वार्टर होने वाला है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 2013 के ट्रेंड के हिसाब से हमारा जो चौथा क्वार्टर होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसके अंदर हमें बुल रन देखने को मिलता है। 2013 के अंदर भी हमें काफी ज्यादा इसके अंदर देखने को मिला था 500x का, और इस साल देखते हैं कितना मिलने वाला है। और काफी ज्यादा अच्छी न्यूज आई है आखिरी, मैंने बताया हुआ है लास्ट के अंदर, मैंने बिटकॉइन के अंदर कवर किया हुआ है जो न्यूज आई है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा पोटेंशियल हाई हो जाता है बिटकॉइन का भागने का। तो अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को आगे देखते रहिए। तो देखिए, मैं अब बताने वाला हूँ कि हमारी जो वैल्यूज़ थी उनका कंपैरिजन कि ग्राफ की मदद से हम उनको कंपेयर कैसे करते हैं, हम लोग ने कैसे स्ट्रेच करके उस ग्राफ को बनाया है, तो मैं अब आपको आगे दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये हमारे ग्राफ्स हैं। अगर आपको लग रहा हो थोड़ा बहुत भी कॉम्प्लिकेटेड है तो प्लीज़ रुक जाइए, मैं आपको बहुत आसान तरीके समझा देता हूँ। देखिए, ये जो हमारी स्केल है इसको हम लोग लॉगरिथमिक स्केल बोलते हैं, और इधर के अंदर वैल्यू, तो देखिए हमारी 10 की पावर 0 होती है 1, इसको 1 आप समझ सकते हैं, और 10 की पावर 1 हमारी 10 होती है, 10 स्क्वायर हमारा 100 होता है, और 10 की पावर 3 हमारा 1000 होता है। तो ये जो सबसे ऊपर गई थी ना, ये 2013 में गई थी 700x, इस ग्राफ ने यहाँ पे 700x अपना किया। अगर मान लीजिए आप यहाँ 1 रुपये लगाते तो आपको 700 रुपये इस समय मिल रहे होते। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। अब ये हमारा साइकिल 1 कहलाया, ये नीले रंग का हमारा साइकिल 1 कहलाया। तो हमारा जो दूसरा स्केल था ये ऑरेंज वाला, ये हमारा ये सबसे ऊपर गया। आपको लग रहा होगा इससे नीचे, हाँ इससे नीचे, ये अगर 700 है तो ये 500 हमारा था, तो ये 500x दिया। अगर आपको यहाँ से लगाया होता 1 रुपये तो आपको यहाँ 500 मिले होते। ये हमारा 2015 में हुआ था। अब यहाँ पे हमारा जो तीसरा साइकिल होता है पीले रंग वाला चल रहा है, ठीक है, साइकिल 3 है हमारा। ये हमारा 2017 में 100x करके दिया, क्योंकि इससे भी नीचे आ गया। तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा बेसिक बेसिक। तो देखिए, अब हमारा जो चौथा साइकिल है जो इस महीने चालू होने वाला है, मतलब आज के दिन से हमारा जो आखिरी ये दिसंबर तक होगा, दिसंबर का 31, यानी हमारे न्यू ईयर से पहले, तब तक ये चौथी साइकिल चलेगी। देखिए, ये साइकिल थोड़ी अनइवन आपको नहीं लग रही, जैसे ये सीधा सीधा जा रहा है, ये भी इसको सेम टू सेम फॉलो कर रहा है, ये भी सेम टू सेम फॉलो कर रहा है, लेकिन ये ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब ये करेक्शंस है। तो देखिए, ये जब भी होते हैं ना, तो बड़ी बड़ी फर्म्स इसको वापस से इसी लाइन पे लाने की कोशिश करते हैं। ये जो है ना ग्राफ, इसी को हम लोग ने स्ट्रेच कर दिया तो ये ग्राफ बन जाएगा। तो देखिए, वक्त के साथ ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, और अगर जो हम लोग ने न्यूज़ आखिरी में कवर की अगर वो सच हो जाती है, तो भाई साहब इसके अंदर मैसिव रैली देखने को मिल सकती है। अगर मैसिव रैली हुई तो ये इन सबको तोड़ के निकल जाएगा और सबसे ऊपर भाग जाएगा और अपना ऑल टाइम हाई अपना अचीव कर लेगा, जो कि $100,000 है। तो अगर वो निकल जाता है तो ऑल्ट कॉइन के अंदर भी बहुत तेज़ी से उछाल देखने को मिल सकता है वक्त के साथ। तो देखिए, सबका यही सवाल होता है कि पैसे कब निकालें। देखिए, अगर आपको लगे कि चीज़ें एक्सपोनेंशियली बढ़ चुकी हैं, यानी यहाँ पे जैसे एक्सपोनेंशियल कर्व आपको दिख रहा होगा, यानी बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, कोई नीचे नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आपको निकाल लेना चाहिए इस किसी जगह पे, ताकि अगर हम फिर नीचे आने लगे ना, निकालना नहीं चाहिए, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो जो भी सपोर्ट हो, जैसे मान लीजिए अगर ये सपोर्ट बन रहा है तो उसके थोड़ा और नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, ताकि क्योंकि हर बार देखा गया है कि सपोर्ट को टच करके वापस चला जाता है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आपको नहीं पता तो मैंने एक वीडियो में अच्छे से कवर किया है, लिंक आपको फ्लैश हो रहा होगा। तो देखिए, जैसे ही ऊपर जाएगा तो आपको फिर से जो अगला सपोर्ट होगा वहां पे लगा देना है। तो जैसे जैसे ऊपर जाता रहे, सपोर्ट अपना ऊपर बढ़ाते जाइए, प्रॉफिट निकालते जाइए, ऐसे ही चलता है ये गेम। अगर आपको समझ में आई हमारी वीडियो, और अगर आपको आपको आगे बढ़ने का मन है तो प्लीज़ देखिए, और अगर नहीं मन है तो भाई साहब कुछ नहीं कर सकते, आप लोग सिर्फ टाइम स्टैम्प के हिसाब से नाम देख लीजिए कॉइन का और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, बस आपके लिए उतना ही ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा कॉइन होने वाला है वो है सोलोनियम सॉल। जी हाँ, मुझे पता है ये आधे दिन के लिए इसकी चेन बंद हो गई थी पिछले महीने में, लेकिन मार्केट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पहले इससे ब्लीड हो रहा था। तो थोड़ी बहुत वैल्यूज की बात कर लेते हैं। $138.93 इस वक्त इसकी वैल्यू है, 0.9% साथ इंक्रीज में है, क्योंकि BTC थोड़ा थोड़ा ऊपर भाग रहा है। मार्केट कैप 41 बिलियन,
ट्रेडिंग वॉल्यूम आप देख ही सकते हैं, डाइल्यूशन भी देख ही सकते हैं, सब बताने का कोई मतलब है नहीं। ये सब आप देख सकते हैं। मार्केट कैप इसका जो डोमिनियंस है 2.8, ये मुझे एक अच्छा लगता है। 7 दिन के अंदर हाई और लो आप इसका देख सकते हैं। जो 7 दिन के अंदर आपका था 125 और 151 इसका हाईएस्ट था, मार्केट रैंक 7 है, ये अच्छी बात है हमारे लिए। देखिए तो 1 आवर के अंदर 1.1% का इंक्रीज, 24 आवर्स के अंदर 0.9% का इंक्रीज, 7 दिन के अंदर 6.3% का डिक्रीज, 14 दिन के अंदर 12.4% का डिक्रीज, 30 दिन के अंदर 26.4% का इंक्रीज और 1 ईयर के अंदर 46.17 का इंक्रीज। देखिए ये इंक्रीज ना हाई क्यों है, क्योंकि इस वक्त इसकी वैल्यू काफ़ी कम थी। हम लोग ने टेलीग्राम पे $20 पे इसको रिकमेंड किया था, इस वक्त इसकी वैल्यू 138 है और इसका ऑल टाइम हाई हमारा 210 के आसपास गया था। तो चलिए और कुछ बातें जान लेते हैं। और हाँ, मुझे पता है इसका ऑल टाइम हाई से ये अभी नीचे चल रहा है, तो ये अच्छा टाइम हो सकता है इसके अंदर आपको एंट्री लेने का। तो ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए सारी की सारी मार्केट इस वक्त ग्रीड कर रही है, अभी हम लोग का फियर का ट्रेंड चल रहा है। जी हाँ, अभी हम लोग ग्रीड फियर इंडेक्स देख लेते हैं। ग्रीड फियर इंडेक्स, तो देखिए हमारा ग्रीड फियर इंडेक्स अभी खुलेगा और फिर हमें पता चलेगी वैल्यूज। 25 इस वक्त चल रही है, देखिए कल के दिन या परसों के दिन में यहाँ पे 28 पे थी, यानी हमारा फिर से एक्सट्रीम फियर के माहौल में जा रहा है। तो ये हमारे लिए कोई अच्छी न्यूज़ है नहीं, लेकिन जितने भी लोग अभी एंट्री लेना चाह रहे हैं उनके लिए अच्छी न्यूज़ है। जितना ज़्यादा नीचे जाएगा उतना ज़्यादा आपके एंट्री पॉइंट्स खुलते चले जाएंगे, और जो भाई साहब होल्डर्स हैं वो तो डरने की उनको कोई बात ही नहीं अगर लॉन्ग टर्म अफोर्ड कर रहे हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आपने कुछ होल्ड किया है तो अभी हो सकता है BTC 35 के हिट करे, तो थोड़ा सा डर का माहौल तो है। तो देख सकते हैं आप, यही सब चल रहा है इस वक्त। तो ये सब नीचे चाइना की वजह से हो रहा है, जो नौटंकी उन्होंने फैलाई थी इसी वजह से सब कुछ नीचे जा रहा है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर ये होता रहता है, फ्रीक आउट लोग हो जाते हैं और क्या ही कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा मानना है, ये जो सोलोनियम है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ब्लॉकचेन है, तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। अगर आप इसका ये सब देखें, मार्केट कैप देखें, जितना ज़्यादा मार्केट कैप होगा उतना ज़्यादा वो स्टेबल रहने की कोशिश करेगा। देखिए असलियत में इसके अंदर एक ग्राफ का पैटर्न ही हरदम फॉलो होता है, अगर ये लोग उसको तोड़ के निकल जाते हैं ऊपर या नीचे, तो कोशिश करते हैं जो बड़ी बड़ी फर्म्स ना वो इसको वापस से उसी ट्रैक पे ले आएँ। तो यही सब होता है। तो सोलोनियम मैं बता क्यों ना पावरफुल है, देखिए इसने इतनी जल्दी के अंदर अपना टॉप 10 कॉइन्स के अंदर अपना नाम बना लिया है। इतनी जल्दी टॉप 10 के अंदर नाम बनाना बड़ी बात है, वो भी पिछले साल से ही इसका काफ़ी ज़्यादा हमारा एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं, कन्वे भट्ट भी कर रहे थे और ऊपर से समय रहना, ये सब एक साथ मिल के कर रहे थे इंडियन मार्केट में, ये लोगों को फैलाना चाह रहे थे इस कॉइन को। उसी वक्त इसकी वैल्यू थोड़ी कम थी, लेकिन अभी भाई साहब ओवर हाइप्ड है ये, तो असलियत में इसकी वैल्यू $1,000 तक जानी चाहिए मेरे हिसाब से, और आराम से ये 2 साल के अंदर तो पहुंच जाएगी। तो अगर आपके पास ये है तो आप इसको होल्ड करें, और अगर आपके पास नहीं है तो थोड़ा बहुत और वेट करें। हम लोग अपने टेलीग्राम पे बता देंगे कब सबसे ऑल टाइम लो पे अपने आएगा, तब आपको एंट्री लेनी है और अपना मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। और हाँ, मेरे हिसाब से इसके अंदर अभी काफ़ी सारा जूस बचा हुआ है, यानी अभी बुल मार्केट तो ख़त्म हुई नहीं, और ऊपर से एक अच्छी न्यूज़ भी है बर्ड फाइनेंस की तरफ से। तो बर्ड फाइनेंस के अंदर हम लोग NFTs को लॉन्च होते हुए देखेंगे, बहुत जल्दी ये आने वाला है। इसका एप्लीकेशन अभी नॉर्मल लोगों के लिए खुला नहीं है, जल्दी ये खुल जाएगा, फिर आप भाई साहब देख पाएंगे इसके अंदर जो ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी ना, ट्रेमेंडस होने वाली है। जी हाँ, ट्रेमेंडस होने वाली है। जो NFTs इस वक्त सोलोनियम बना रहा है, तो देखिए उसके अंदर लोग जो मांग रहे हैं ना वही चीज़ उन्हें मिल रही है, इसलिए लोग इसकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसकी वजह से इसकी वैल्यू और तेज़ी से हमारी बढ़ रही है। तो इसमें भी आप लोग एक पॉजिटिव नोट पे इसको आप देख सकते हैं कि हमारी वैल्यू हो सकता है बढ़ जाए जैसे ही लॉन्च हो जाए। बढ़ेगी इसलिए क्योंकि NFT का क्रेज़ इस वक्त सोलोनियम के चक्कर में बहुत ज़्यादा हाई हो रखा है और बहुत सीरियस हैं लोग, और उसमें पैसा भी बहुत अच्छा बन जाता है। तो हमारी दूसरी न्यूज़ ये है, वर्महोल ने एक्सटेंड कर दिया टोकन ब्रिज को NFT सपोर्ट के लिए। इसका आप क्या मतलब समझते हैं आप बताइए? देखिए इन्होंने ऐसा किया है, ये लोग लिक्विडिटी लेंगे और दूसरे चेन से वर्महोल के जरिए, और अपने जो ब्रिज है ये NFT को सपोर्ट करने के लायक बनाएंगे। इसका आप मतलब मैं आपको बता देता हूँ, इसका ये मतलब है कि हम लोग इथेरियम से सोलोनियम के अंदर अपने NFTs भेज रहे होंगे। भाई साहब ये गेम चेंजिंग थिंग, ये हम लोग को क्रिप्टो पंक्स को वापस लाने में, आर्ट ब्लॉक्स को लाने में, क्रिप्टो के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमें देने वाला है। ये जब भी आएगा ना तो भाई साहब इसके अंदर तो तबाही मच जाएगी, NFTs की वैल्यू काफ़ी तेज़ी से फिर भाग रही होंगी। तो देखिए ऐसा हो क्यों रहा है, लोग इतना अट्रैक्टेड क्यों है? सेम चीज़ तो ये भी कर रहा है। देखिए होता ये है, इथेरियम के अंदर फीस काफ़ी ज़्यादा कटती है,
वहीं जो सोलोनिया में हमारा वो फ्रैक्शन ऑफ उसका फीस काटता है, इसका मतलब पेनी के हिसाब से वो काटता है, बहुत ही कम। और वहीं हमें 40 50 100 डॉलर तक देने पड़ जाते हैं इथेरियम के अंदर। जो काम भाई हमारा सस्ते में हो रहा है वो चीज़ हम लोग महंगे में क्यों करें, आप ही बताइए मेरे दोस्त। तो हमारा जो दूसरा कॉइन होने वाला है वो है पॉलीगॉन मैटिक। पॉलीगॉन मेन एसेट का मैटिक सबसे ही ज़्यादा ताकतवर एसेट है। देखिए इस वक्त मैं मानता हूँ ये स्ट्रगल कर रहा है, इसकी मोमेंटम नहीं बन पा रही है, वापस ऊपर नहीं जा पा रहा है 2 डॉलर तक। जी हाँ, 2 डॉलर का ऑल टाइम हाई रहा था ये, उसके ऊपर निकलने पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन उस वक्त मार्केट डिप में चली गई। तो भाई साहब ये भी चले जाएंगे, ये कौन सी खेत की उंगलियाँ, अगर BTC नीचे जाएगा तो ये भी जाएंगे, इनको जाना ही पड़ेगा। लेकिन देखिए इसमें एक अच्छी बात यह है कि ये 1 डॉलर तक नहीं गिरा। देखिए ये 1 डॉलर तक अगर गिर जाता ना तो उठना बहुत मुश्किल होता, लेकिन ये 1 डॉलर से इस वक्त ऊपर है तो इतनी ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं करनी होगी 2 डॉलर तक वापस जाने के लिए। देखिए मैंने बहुत सारा अपना बैग भर के रखा है मैटिक पॉलीगॉन की तरफ से, क्योंकि मेरे को मैटिक पॉलीगॉन पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। क्यों भरोसा है? क्योंकि आराम से इसका मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा हाई है, देख सकते हैं आप मार्केट कैप इसका 7 बिलियन का है। तो ये मार्केट कैप इसका हाई है, इसको छोटा मोटा तो मत ही आकी है, ऊपर से इंडिया का। उसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ इसको बनाती है, जो मुझे बुलिश बना रही है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके अंदर मैं आपको अभी दिखाता हूँ क्या क्या चल रहा है। देखिए मैं चाहता हूँ कि 5 डॉलर तक वैल्यू चली जाए तो बेचा जाए, कुछ समझ में भी आए, थोड़े बहुत प्रॉफिट हम भी निकालें। लेकिन अभी तो मार्केट ही डिप में चल रही है तो लेवरेज से ही काम चलाना पड़ रहा है। चलिए छोड़िए, लेवरेज के बारे में बाद में कभी बताएंगे, अभी आगे चलते हैं। तो जैसा कि इन्होंने लिखा हुआ है, अनदर माइलस्टोन फॉर पॉलीगॉन, वी इलिप्स इथेरियम L1 इन डेली एक्टिव एड्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका ये मतलब है कि इथेरियम को इन्होंने पहली बार सरपास किया है, तो भाई साहब इनको खुशी तो होने वाली है। एक्टिव यूजर्स जो एक दिन में होते हैं, तो देखिए इनकी जो वैल्यू थी वो थी 351,000, इसका मतलब 351,000, और वहीं इथेरियम की उसी दिन 33,20,000। देखिए फ़र्क है, इथेरियम को इसने सरपास कर दिया, भाई सब खुशी मनाने वाली बात तो है। देखिए ऐसा ये क्यों कर पाई, देखिए इथेरियम की जो गैस फीस है ना, यानी जो फीस लगती है उसके अंदर कोई भी चीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन वही चीज़ हम लोग पॉलीगॉन के अंदर करें तो भाई साहब पेनी बहुत ज़्यादा कम लगता है, तो ये बहुत ही कूल बना देता है। तो देखिए अगर इसकी वैल्यू बढ़नी जो बढ़ सकती थी वो इसी की वजह से बढ़ सकती थी, और इन्होंने फ़ायदा अपना उठा लिया है, और धीरे धीरे इथेरियम हो सकता है नीचे की तरफ जाए और पॉलीगॉन मैटिक ऊपर उठ जाए। और मुझे पता है बहुत सारे लेयर 2 के स्टफ़ आ रहे हैं बाहर से, इथेरियम के पास अपना आर्बिट्री है जिसको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रही है। देखिए जैसे जैसे अटेंशन मिलेगी इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, सीधी सीधी बात है भाई साहब। बाय द रूमर सेल द न्यूज़ वाला सीन चलता है, हर जगह ये सीन चलता है। देखिए जो हमारी सेकंड न्यूज़ हेमरेज की तरफ से, उसमें ये बताया गया हमें कि लेयर 2 की वजह से हमारी जो स्केलिंग की प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो जाती है, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है और पॉलीगॉन के लिए भी। तो हमारी जो तीसरी न्यूज़ आती है वो 4x9 पॉलीगॉन नाइट फॉल इज़ वन ऑफ अ काइंड प्राइवेसी फोकस्ड रोल अप। देखिए इसका मतलब ये है, जो इन्होंने इसके साथ समझौता किया है इसकी वजह से इसकी वैल्यू काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाली, मैं बताता हूँ क्यों। तो ये लोग अब इसमें प्राइवेसी पे फोकस कर रहे होंगे, और एक और इससे जो चीज़ हमें फ़ायदा होता है, जो हमारे लिए +1 पॉइंट होने वाला है, उससे स्केलेबिलिटी हमारी इससे बढ़ जाएगी। देखिए स्केलेबिलिटी बढ़ेगी उतने ज़्यादा हमारे यूज़र्स बढ़ जाएंगे, तो इवेंचुअली हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। तो गाइस जो हमारा तीसरा कॉइन होने वाला है वो है टेरा लूना, इसकी रैंक 11 है। उसके अलावा इसकी मार्केट कैप 14 बिलियन है, यहाँ पे आप डाइल्यूशन सब देख ही सकते हैं। मैक्सिमम सप्लाई 972 मिलियन है, तो फिर हम लोग थोड़ा नीचे आ जाते हैं। देखिए इसकी मार्केट कैप डोमिनियन 0.73 है, ये कम है इसके हिसाब से, इसकी वैल्यू और तेज़ी से बढ़ेगी तो मार्केट डोमिनियंस भी बढ़ जाएगी। उसके अलावा 24 घंटे के अंदर हाई और लो इसका था 33.33 और 36.72, और 7 दिन के अंदर हाई और लो इसका था 33.05, इसका लोएस्ट पॉइंट तक गया था और हाईएस्ट पॉइंट इसका 40.83 गया था। ऑल टाइम हाई इसका 43.82 गया था, यानी अभी ऑल टाइम हाई से अपने थोड़ा ही नीचे है, ज़्यादा नीचे है नहीं, यानी ये फिर से इसको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और 1 घंटे के अंदर 4.5% का इंक्रीज देखने को मिला, 24 घंटे के अंदर 4.1, 7 दिन के अंदर 11.1, 14 दिन के अंदर 1.4, 30 दिन के अंदर 10.9%, और 1 साल के अंदर 11,000%, यानी इसने आपको दिया है 110x। इसका आप मतलब समझ रहे हैं, इसने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट लौटाया और मेरे हिसाब से और प्रॉफिट ये देने वाला है, क्योंकि कोलंबस 5 अपडेट आने ही वाला है, तो जैसे ही आएगा इसकी वैल्यू बहुत तेज़ी से रैली देखने को मिलेगी। और मेरे हिसाब से जब ये आ रहा होगा तब हमारा बुल रन उस वक्त ऑन होगा, क्रैब मार्केट जा चुकी होगी, बेरिश मोड, अगर आज का दिन सब कुछ ठीक रहा तो बेरिश मोड हो सकता है और देखने को ना मिले।
तो देखिए आप, इसकी वैल्यू तो तेज़ी से बढ़ सकती है। और जितने भी इंटेलेक्चुअल हमारे होते हैं ना, वो सब या तो रियून लेके हरदम रखते हैं या फिर लूना हरदम लेके रखते हैं। आप ट्विटर पे कभी भी चल जाइए, जो भी इंटेलेक्चुअल और जो बड़े लोग होते हैं वो हरदम ये दोनों लेके रखते ही रखते हैं। तो हमारा जो चौथा कॉइन होने वाला है वो है पोलका डॉट। इसकी वैल्यू 28.17 डॉलर है और 1.6% साथ इंक्रीज में है। देखिए इसकी जो मार्केट रैंक है वो है 9, यानी ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है और इसकी रैंक भी अच्छी है टॉप 10 के अंदर। तो मार्केट कैप इसकी 29 बिलियन है। अब हम लोग नीचे आ जाते हैं, मार्केट डोमिनियंस देख लेते हैं। 1.47 ये अच्छा है मार्केट डोमिनियंस के हिसाब से, ऐसे कॉइन के हिसाब से। तो देखिए 24 घंटे के अंदर हाई और लो इसका रहा था 26.55 और हाईएस्ट गया था 28.56, ठीक है। 7 दिन के अंदर लो और हाई हमारा गया था 26.23 और 33.52। और यहाँ पे हम लोग देख ही सकते हैं ऑल टाइम हाई इसका था 49.35, यानी 50 टच करते करते रह गया। 15 मई के आसपास इसने अपना ट्राई किया था ऑल टाइम हाई, और इसका ऑल टाइम लो जो हमारा गया था वो 2020 में गया था 20 अगस्त को 2.70, यानी उस समय से इसने 9x करके दिया है हमारा। तो देखिए अभी इस वक्त मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू इसकी वजह से बढ़ सकती है। तो देखिए इसका ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है डॉट पैराचेन आर कमिंग। देखिए मेरे हिसाब से पैराचेन की लॉन्च डेट आने वाली है, तो जो मेरा गैस है राउंड 2 जो KSM का होने वाला है पैराचेन का ऑप्शन, अगर वो ख़त्म हो जाता है नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट वीक, तब हम लोग को ये प्रोबेबली हफ्ते और उसके 2 हफ्ते बाद डिले होते होते हमें देखने को मिल सकती है ऑफिशियल पैराचेन की डेट, जो मेननेट लॉन्च होने वाली है मेननेट पोलका डॉट के ब्लॉकचेन पे। तो देखिए इससे हमारी जो होने वाला है ना उससे एक मैसिव रैली देखने को मिल सकती है। देखिए इवेंचुअली शॉर्ट टर्म में तो देखने को मिलेगी, अगर ये हो जाती है ना दूसरे महीने के अंदर अगर हो जाती है अक्टूबर या नवंबर में, तो हमें हद से ज़्यादा बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। तो इसमें आप पक्का ले सकते हैं एक हिस्सा, और उसके अलावा इसमें क्राउड लोनिंग वाला सिस्टम चलता है, अगर आप उसमें चाहें तो उसमें कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको स्टेक करके इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वक्त आने पर आपको पता चल ही जाएगा। तुम्हारा पांचवा और लास्ट कॉइन होने वाला है थॉर चेन रियून। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट है, टॉप 100 के अंदर अपनी जगह बना चुका है 1-2 साल के अंदर ही। रैंक 66 है इसकी और हमारी जो वैल्यू है 6.87 और 3.7% के इंक्रीज के साथ। देखिए इसका मार्केट कैप 1 बिलियन ही अभी है, यानी अभी शॉर्ट टर्म मार्केट कैप में या छोटे मार्केट कैप का आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई थी उसके हिसाब से 400 मिलियन के अंदर जितने भी होते हैं वो लो मार्केट कैप होते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों। देखिए आपको थॉर चेन समझने से पहले आपको यूनिस्वैप का काम समझना होगा। देखिए यूनिस्वैप ऐसे काम करता है, जैसे वो 2 टोकन्स को मतलब स्वैप कर देता है उसी की ब्लॉकचेन में, मेनली वो इथेरियम को करता है, ERC-20 वाले को, जितने भी होते हैं टोकन वो एक दूसरे के अंदर स्वैप हो जाते हैं। ये होता है भाई साहब यूनिस्वैप का काम, और इसके अंदर लोग अपने टोकन स्टेक वेक करके लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देते हैं, उससे उन लोगों जो टैक्स कटता है जब भी ट्रांसफ़र करते हैं मतलब स्वैप करते हैं, तो जो भी यूनिस्वैप के अंदर हमारा टैक्स कटता है जो काफ़ी ज़्यादा होता है, उससे जितने भी लोगों ने लिक्विडिटी प्रोवाइड की होती है उन्हें वो पैसे की तरह मिल जाते हैं या फिर टोकन की तरह मिल जाते हैं जो उन्होंने लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए दिया होता है। वहीं देखिए अगर कोई चीज़ सस्ते में हो रही तो क्यों ना करें, वहीं रियून आता है अपना गेम खेलने। तो रियून एक है क्रॉस चेन यूनिस्वैप, इसका मतलब आप समझ सकते हैं अगर सिर्फ यहाँ यूनिस्वैप के अंदर ERC-20 हो रहा था, तो यही रियून के अंदर हमारे में चारों जो मेन मेन ब्लॉक चेन है वो सारी काम करेंगी, जैसे बाइनेंस स्मार्ट चेन, बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश और इथेरियम। जब ये चारों एक साथ आ जाती है ना, तो हम लोग उसको स्वैपिंग हब भी बोल सकते हैं, यानी लोग इसके अंदर क्यों नहीं आना चाहेंगे जब इसकी फीस इतनी कम है। यूनिस्वैप का काम क्या है, ये सिर्फ एक स्वैप कर सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग चारों स्वैप कर सकते हैं जो मेन मेन है, तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। ऊपर से लोग इसके अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइड करके अपने टोकन को स्टेक करके काफ़ी ज़्यादा इसमें मिलता है यूनिस्वैप से भी, तो ये भी एक फ़ायदा हो जाता है अपना। और ऊपर से जो इसकी वैल्यू है ये तो बढ़ेगी बढ़ेगी इवेंचुअली, क्योंकि ये इतना ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट है, ये डीप लिक्विडिटी हमें प्रोवाइड करता है, ऊपर से क्रॉस चेन यूनिस्वैप, तो भाई साहब इसमें सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आप इसमें एक बार इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये बहुत टाइम से बोलते आ रहे हैं। हमारा अगर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे ना, तो हर जगह इसका नाम आपको दिख ही जाएगा, ऊपर से हमारे टेलीग्राम का सिंबल भी यही है, तो प्लीज़ इसको बाय कर लें। तो वो लास्ट कॉइन जो सबके पास होना ही चाहिए वो है बिटकॉइन। इसकी रैंक 1 है भाई साहब, होनी ही चाहिए। उसके अलावा मार्केट कैप 827 बिलियन है। देखिए ये बिलियन में, मिलियन में नहीं, तो आप समझ ही सकते हैं। फिर तो उसके बाद सप्लाई आप देख ही सकते हैं 21 मिलियन, हरदम से ये रहेगी, इसके ऊपर जा ही नहीं सकती। हमारा मार्केट डोमिनेंस 40.63 है, ये अच्छी बात है हमारे लिए। मार्केट कैप आप देख ही चुके हैं, ऊपर से 24 घंटे के अंदर हाई और लो इसका था 41037 और 43919।
तो ये ठीक है हाई और लो, और वहीं 7 दिन के अंदर 40 गया था और 45 ऊपर चला गया था, ठीक है। इसका जो सबसे ऑल टाइम हाई गया था वो अपना 64 गया था 14 अप्रैल 2021 को, 6 महीना पहले आज से, और ऑल टाइम लो अपना 67 डॉलर, वो भी 2013 में। ये तो बहुत पुरानी बात होगी, इसका कोई रेफरेंस भी नहीं बनता। तो चलिए मैं अब आपको ये बता देता हूँ कि मार्केट के अंदर जो सबसे तगड़ी न्यूज़ है, हॉट न्यूज़ है, वो इससे क्या चल रही है। बिटकॉइन फीचर्स ETF लाइकली टू बी अप्रूव्ड इन अक्टूबर, बूमरैंग एनालिस्ट। देखिए, कॉइन बेस ने एक गलती से पोस्ट डाल दी थी आज के दिन में, सॉरी कल के दिन में, तो उसके अंदर ये लिखा था ETF वापस से चालू होने वाला है। अब आप सोचेंगे ETF क्या है और इससे इसके वैल्यू से क्या फर्क पड़ता है, मैं दिखाता हूँ आपको ETF क्या होता है। तो ETF का जो हमारा फुल फॉर्म है वो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो ये पब्लिक ट्रेडेड फंड रहता है, ये ट्रैक रखता है अंडरलाइंग एसेट्स का। तो आप इसको एक ओपन एंड म्यूचुअल फंड का एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या होता है, आप कुछ पैसे देते हैं तो वो अपनी मर्जी से कहीं भी लगाते हैं, ये आपको नहीं बताते वो कहाँ लगा रहे हैं। आपको जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो लोग निकाल के बाद में दे देते हैं। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, उन पे भरोसा करते हैं। तो जैसे हम लोग भरोसा करेंगे उन पे, उनको हम लोग ने पैसे दिए, अब वो लोग लेके भाग सकते नहीं है क्योंकि हम लोग ने भरोसा किया और बहुत सारे लोगों ने किया हुआ। अगर कर दिया ये तो वो तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाएगा, लेकिन ये लोग नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लॉन्ग टर्म खेलना होता है। तो ये किया उन्होंने, उन्होंने कहीं भी लगा दिया, उससे प्रॉफिट आया लॉस आया अब उनके ऊपर है कि उन लोगों ने कहाँ लगाया है। तो वो लोग ऐसे लोगों को तो रखते नहीं है जो लोग एकदम नो हो या उनको कुछ पता ना हो, तो वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को रखते हैं। तो वो लोग अपनी मर्जी से लगाते हैं और फिर जो हमारा ये प्रॉफिट निकल के आता है वो हमें दे दिया जाता है। तो देखिए, उसके अंदर कुछ दिक्कतें थी, जो ब्रोकरेज फीस थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी और एक्सपेंस रेशियो भी हाई था। वहीं पे ETF जो हमारा आता है भाई साहब, वो इन दोनों चीज़ों को कम कर देता है, लो एक्सपेंस रेशियो कर देता है और फ्यूअर ब्रोकरेज कमीशन कर देता है, यानी हम लोग का जो कमीशन लगती थी ब्रोकरेज में वो बहुत कम हो जाती है। तो ये देखिए, एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, लेकिन अभी तक ये इलीगल है क्योंकि मैं आगे आपको बताता हूँ क्यों। देखिए, बिटकॉइन ETF, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे ये समझ में आएगा, बिटकॉइन शेयर प्राइस फ्लक्चुएशन ऑल डे। देखिए, ETF के प्राइस के अंदर हर दिन फ्लक्चुएट होता रहता है प्राइस। वहीं पे आपका म्यूचुअल फंड में अगर आप कभी प्राइस अपना चेंज करना चाहें तो सिर्फ दिन में एक बार आप कर सकते हैं। वहीं पे अगर आपको इसमें ETF में करना हो, आप दिन में कितनी बार कर सकते हैं। देखिए, ये लोग ऐसा गेम करते हैं कि म्यूचुअल फंड में लगा दिया, ठीक है, नॉर्मल अब चलेगा, बढ़ेगा तो या तो घटेगा अगले दिन तक, ठीक। लेकिन ETF के अंदर वो लोग लॉन्ग और शॉर्ट का भी गेम खेलते हैं। लॉन्ग और शॉर्ट का मतलब, अगर मार्केट ऊपर जा रही तो लॉन्ग लगा दिया और अगर नीचे जा रही तो शॉर्ट लगा दिया। जो लोग लेवरेज करते हैं वो मेरी बात समझ गए होंगे, अगर नहीं करते तो देखिए उसके अंदर ये होता है कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है, अगर हम लोग ने लॉन्ग प्रेस किया तो इसका मतलब हमारे पे लेवरेज कुछ आएगा, मतलब कितने एक्स आपको चाहिए वो पूछेगा, और अगर मार्केट ऊपर जाता है उतने तो उतने डॉलर से आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन अगर नीचे चला जाता है उतने ही डॉलर से कम हो जाएगी। अगर नीचे जा रहा हो तो आप शॉर्ट कर देंगे तो आपकी जो नीचे जो जा रही है वैल्यू उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा आपका जो प्राइस है। तो ऐसे आपका फ़ायदा हो सकता है दोनों ही सिनेरियोज में, अगर आपको पता हो तो कैसे यूज़ करना है। तो हमारा जो तीसरा है, ये इसको इन्वेंट किसने किया था, मतलब ये सबसे पहला प्रपोजल किसने दिया होगा, किसी ना किसी ने तो दिया होगा, वो थे कैमरन और टाइलर विंस्टर्स। तो इन्होंने पहला प्रपोजल दिया था 2013 में SEC को, लेकिन SEC ने मना कर दिया भाई साहब ये प्रपोजल, कि इसके अंदर बहुत आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, मतलब काफ़ी सारे लोग आए, वो लोग अपनी मर्जी से कहीं भी लगा सकते हैं ना। अगर म्यूचुअल फंड है तो आपको क्या पता, आप तो सिर्फ पैसे दे रहे हो, तो वो लोग कहीं भी लगाए आपको थोड़ा ना पता चलेगा, और पता भी चलेगा तो आप उसमें कर थोड़ ना सकते हैं। वो लोग अपने से पहले से वो लिखवा लेते हैं कि हम कहीं भी लगाएंगे, अगर आपका प्रॉफिट होगा तो आपको मिलेगा, लॉस होगा तो आपको मिलेगा, उसमें से हम लोग थोड़ी सी ब्रोकरेज फीस बस काटेंगे। तो ये होता है। तो देखिए, तो जो मेन डिस्टिंक्शन है म्यूचुअल फंड का और ETF का वो तो मैंने बता ही दिया, और एक और चीज़ है यहाँ पे कम्युनिटी पूल का। अब देखिए यहाँ पे लिखा, द मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन द बिटकॉइन फंड एंड बिटकॉइन ETF इज दैट फॉर्मर रिप्रेजेंट शेयर इन अ पूल ऑफ मनी दैट एक्टिवली इन्वेस्ट इन बिटकॉइन, वेयर एज बिटकॉइन ETF वुड रिप्रेजेंट बिटकॉइन ओन्ड बाई ETF। तो देखिए, जो हमारा म्यूचुअल फंड होता है वो पूल होता है, इसका मतलब बहुत सारे लोग एक साथ लगाते हैं तो मतलब बहुत बड़ा अमाउंट बनता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बहुत सारे लोग एक साथ ट्रस्ट दिखाते हैं तो लेके भाग नहीं सकता। लेकिन ETF के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, छोटे छोटे अमाउंट भी लग सकते हैं, तो भाई साहब आपका ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, वो उस फर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे लगाती है आपका।
तो ये जो हमारे ये तो अभी इलीगल है, जैसे मैंने बताया, मतलब अभी तक चालू नहीं हुआ। SCC जब तक इसको ग्रीन सिग्नल नहीं देगी तब तक चालू नहीं हो सकता। लेकिन जो हमारा, अगर वो इलीगल है तो हम लोग दूसरा तो जुगाड़ तो ढूंढ ही लेंगे भाई साहब, दुनिया में हम लोग रहते हैं ऐसे तो जुगाड़ तो ढूंढ ही लेंगे। तो ग्रे स्केल नाम का एक जुगाड़ निकला जो कि ट्रस्ट था, ये बहुत बड़ी फर्म है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी। तो ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह आप समझ सकते हैं, जो हमसे पैसे लेके हमारी जगह बिटकॉइन खरीद देगी और इन्वेस्ट करके रख देगी। तो लोग इसमें इसलिए ट्रस्ट करते हैं क्योंकि एक तरीके से वो लोग पैसे में कर रहे होते हैं, वो लोग असलियत में बिटकॉइन खरीद नहीं रहे होते, उस हमारी जगह ये कंपनी खरीद रही होती है। तो देखिए, हमें इससे ये फायदा, अगर कभी नीचे जाती है तो हमारे पैसे तो सेफ रहेंगे, अब वो कंपनी डूबेगी एक तरीके से। तो देखिए, इतनी आसानी से डूबने वाली है नहीं। ये लोग इतनी बड़ी कंपनी बना के बैठे, कुछ ना कुछ सोच के बैठे होंगे। इन्होंने 7.2 बिलियन डॉलर्स का रखा हुआ है अपने पास पैसा बिटकॉइन के अंदर। तो आप समझ सकते हैं ये एक तरीके से वेल है इसके अंदर, अगर इसने निकाल लिया तो भाई साहब पूरा बिटकॉइन नीचे आ जाएगा, उतना तेज़ी से नहीं लेकिन नीचे तो ज़रूर आ जाएगा, इतना मैं कह सकता हूँ। तो चलिए अब मैं बता देता हूँ इससे फ़र्क क्या पड़ता है। अगर ग्रीन सिग्नल मिल जाता है SEC की तरफ से इसको, तो भाई साहब आप समझ नहीं सकते कितनी बड़ी रैली देखने को मिलेगी। इवेंचुअली उससे निकाल के ETF में हम लोग डालेंगे। ग्रे स्केल से निकाला, ETF में डाला, क्योंकि ग्रे स्केल तो हमारी जगह पे कर रही है। तो ETF से हमारा ये फायदा होगा, जो हमारे ग्रो ऐप जैसे होते हैं उनके अंदर हम लोग अब बाई कर पाएंगे सीधा सीधा। अब ग्रो ऐप जैसे हो गए हमारे, और भी जो दो तीन हैं जो इंडिया के अंदर काफ़ी चलते हैं, तो वो लोग अपनी मर्ज़ी से कहीं से भी लाएं, हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग सीधा सीधा वहीं से बाई कर पाएंगे। तो शॉर्ट टर्म के अंदर तो हमें बिटकॉइन के अंदर लॉस देखने को मिलेगा, लेकिन इवेंचुअली हमें कम से कम 10x तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, 100,000 या 500,000 तक आपको देखने को मिल सकता है। तो इतना ही हमें देखने को मिलने वाला है। तो देखिए, अगर ये हमारी जो रूमर थी वो अगर सही हो जाती है, वो भी अक्टूबर के अंदर, तो जो हमारी रैली बची हुई है ना, इतनी ज़्यादा तरीके से होगी ना। तो देखिए, असलियत में क्या होगा अगर रैली होती भी है, तो देखिए रैली जब स्टार्ट होगी तो हमारा सबसे पहले BTC के अंदर पैसा जाएगा, यानी ऑल्ट्स और ब्लीड होंगे। तो देखिए, जैसे ही ऑल्ट्स और ब्लीड होंगे तो वैल्यू और नीचे आएगी, आप लोग और पैनिक सेल करेंगे। तो जितना ज़्यादा पैनिक सेल करेंगे, वेल्स हमारी खरीद लेंगी, ठीक है, थोड़ा सा पैसा आया ऑल्ट्स के अंदर, BTC के अंदर तो जा ही रहा है सबसे ज़्यादा, BTC ऊपर जाया जा रहा है, ऊपर जाया जा रहा है, लेकिन एक थ्रेशोल्ड के बाद BTC नीचे आना चालू होगा, और वहाँ से जब निकलेगा तो ऑल्ट्स के अंदर जाएगा, जो कि आप लोग पहले से बेच चुके होंगे, तो फिर ऑल्ट्स आप लोग खरीदने के लिए भागेंगे। तो ऐसे मत करिएगा, अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो होल्ड करके रखिएगा, और मैं आपको सही टाइम बता दूंगा कब आपको निकालना चाहिए, अगर हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएँ तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, वहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं और टाइम सेंसिटिव न्यूज़ सबसे पहले वहाँ मिलती है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही बताना था। सारे जितने भी कॉइन्स बताए हैं आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी ही ज़्यादा अच्छे कॉइन है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किए इस बार वीडियो में। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।